हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है अपने फॉग लैम्प की अनबॉक्सिंग की, और जिसमें मैंने अपनी हार्नेस दिखाई थी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था कि एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप हार्नेस आप घर पर कैसे बना सकते हो कुछ चीज़ों को लेके। तो ये वीडियो उसी पर ही है। तो ये जो वीडियो होगी ये मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आज जो वीडियो होगी वो होगी जो सिंगल रिले की हार्नेस है और उसके आप कनेक्शन कैसे कर सकते हो जो फॉग लैंप सिंगल कलर में आते हैं, ड्यूल कलर में नहीं, सिंगल कलर में। फॉग लैंप उसमें दो ही लगेंगे पेयरिंग में, लेकिन वो कनेक्शन होगा जो सिंगल लाइट वाला आता है, ड्यूल लाइट वाला नहीं। मैंने उसका एक वायरिंग डायग्राम बनाया है, पहले वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और उसके बाद जो हार्नेस मेरे पास पड़ी है ये तो वैसे ड्यूल है, लेकिन इसी को लेके मैं आपको बताऊँगा कि आप सिंगल कैसे बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको वायरिंग डायग्राम। ओके गाइस, ये है वायरिंग डायग्राम हमारी, जिसमें दो फॉग लाइट्स हैं लेकिन वो सिंगल कलर, जिसमें दो वायर्स ही होते हैं, सिंगल कलर की फॉग लाइट्स आती हैं, वाइट और येलो कोई भी हो सकती है। तो दो हमारे फॉग लैंप्स हैं और ये हमारी रिले है, ये बैटरी है, फ्यूज़ है और स्विच है। कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो आता है हमारा बैटरी से। हमने करना क्या है, बैटरी का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट है, उसके सेंटर में लगाना है फ्यूज़, राइट। और उसका फ्यूज़ को के थ्रू कनेक्ट करना है उसको जो हमारी रिले है उसके बॉटम पॉइंट के साथ। ये चीज़ ध्यान में रखना, जो रिले होता है हमेशा उसका एक एंड जो पॉइंट है वो ऐसे होता है और बाकी सारे वर्टिकल होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। हमने जो नीचे वाला पॉइंट है, वर्टिकल पॉइंट है सेंटर, उसको कनेक्ट करना है हमारे पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव जो हमारा पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है हमारे लेफ्ट पॉइंट के साथ, राइट। और उसी नेगेटिव को हमने अपने फॉग लैंप के जो नेगेटिव हैं, जो ब्लैक वायर्स उसमें होंगी, उनके साथ हमने कनेक्ट करना है। जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, अगर आप बाहर से वायरिंग कराओगे तो ये वायर को वो बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, दैट मीन्स नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं करते। वो करते क्या है, इस नेगेटिव पॉइंट को कहीं भी मोटरसाइकिल के ऊपर, जो आपका कहीं भी नट एंड बोल्ट जो कंपनी ने दिया होता है वहाँ पे उसको अर्थिंग कर देते हैं, जिसको अर्थिंग बोलते हैं हम। लेकिन इस कनेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको अर्थिंग से कनेक्ट करते हो और बाय चांस आपका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट पे कहीं पे शॉर्ट हो जाता है, तो आपकी बैटरी को नुकसान नहीं है, आपके बाइक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं है। बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करने का रीज़न ये है। आप नहीं भी कर सकते हो, ये अपनी प्रेफरेंस है, आप इसको अर्थिंग करना चाहते हो आप अर्थिंग भी कर सकते हो अगर आप ये वायर नहीं डालना चाहते एक एक्स्ट्रा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आप वायर लगाओ तो आपके जो मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है वो आपने बॉटम में लगाना है और जो नेगेटिव पॉइंट है उसको लेफ्ट पॉइंट है उसके साथ लगाना है, और आपने उसको कनेक्ट करना है डायरेक्टली अपने फॉग लैंप की नेगेटिव पॉइंट से। रिले का जो अपर पॉइंट है उसको आपने कनेक्ट करना है आपके फॉग लैंप के पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। यहाँ से आप यहीं से भी दो वायर्स निकाल सकते हो, या फिर आप आगे इसको नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्ट करके आप दो वायर्स निकाल सकते हो। तो ये तो आपके हो गए फॉग लैंप के कनेक्शन आपके रिले के साथ और बैटरी के साथ। अब बचता है कनेक्शन स्विच का रिले के साथ और आपके मोटरसाइकिल के साथ। स्विच आपने लगाना है जो रिले का एक पॉइंट आपका बच गया जो राइट साइड का, उसके साथ आपने स्विच का एक एंड कनेक्ट करना है, और जो स्विच का सेकेंड एंड है उसको आपने कनेक्ट करना है मोटरसाइकिल के इग्निशन स्विच के साथ। तो ये करता क्या है कि मोटरसाइकिल का जो इग्निशन स्विच है ये उस टाइम पे ऑन होता है जब आप की से मोटरसाइकिल को टर्न ऑन करते हो, राइट। तो इसका फायदा ये रहता है, अगर आप डायरेक्टली इस स्विच को यहाँ पे पॉजिटिव में लगा दोगे या नेगेटिव में कहीं पे लगा दोगे तो होगा क्या कि आपका जो बाइक है अगर स्विच ऑफ ही है फिर भी ये आपके फॉग लैंप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे,
तो ये हमने करना नहीं है, इस स्विच को हमने कनेक्ट करना है यहाँ पे इग्निशन स्विच के पॉजिटिव के साथ। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये बाइक टू बाइक अलग से होता है। ये होगा जो कनेक्शन है, ये रहेगा आपका आपकी हेडलैम्प के बैक साइड में। तो वहाँ पे आपको वायरिंग निकाल के स्विच ऑन करके ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, वहाँ से आपको इस स्विच को कनेक्शन देना है। तो ये मैं क्लियरली आपको बताऊंगा जब मैं बाइक के ऊपर अपने फॉग लैम्प इंस्टॉल करूंगा। अभी मैंने वो किए नहीं है तो उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये था टोटल डायग्राम। अभी आपको जो मेरे पास हार्नेस है उसमें भी बता देता हूं कि वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ कैसे हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि इस हार्नेस में कनेक्शंस कैसे हैं इसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो वैसे इसमें टू रिले वाला सर्किट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ये वाला सर्किट। तो पहले सिंपल वाला जो सर्किट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो इसमें देख लेते हैं कैसे। अभी के लिए हम फिलहाल भूल जाते हैं कि इसमें दो रिले हैं, हम सिंगल रिले वाला कनेक्शन देख लेते हैं, राइट। इसमें है दो वायर्स, ये है पॉजिटिव और ये ब्लैक वाली है नेगेटिव वायर, और इसमें लगा हुआ है फ्यूज़, राइट। जैसे ये था यहाँ पे, ये बैटरी के कनेक्शंस हैं, ये पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव, ये ब्लैक वाली वायर है, और ये इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डायरेक्टली जो रिले, ये रिले का सॉकेट बना हुआ है, ये सॉकेट का जो बॉटम एंड है, जो रिले का बॉटम एंड है, सॉकेट का बॉटम एंड है, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव वायर, इसका नेगेटिव वायर है, वो हो जाएगा इस सॉकेट के लेफ्ट वाले एंड से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये लेफ्ट है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मैंने सर्किट बनाया था ये सॉकेट के अकॉर्डिंगली है, ये सॉकेट के सर्किट के अकॉर्डिंगली है, सॉकेट का लेफ्ट और सॉकेट का राइट, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंगली आप अगर डायरेक्टली रिले के साथ कनेक्ट करोगे तो ये जो सर्किट है ये स्विच हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको रिले को ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो नेगेटिव एंड है वो रिले के राइट एंड पे कनेक्ट होगा, स्विच वाला है वो इसके लेफ्ट पे कनेक्ट होगा। आपने मतलब उसको अल्टरनेट यूज करना है। मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये रिले का जो सॉकेट आता है, ये कनेक्ट, ये सॉकेट, इसके अकॉर्डिंगली इसका लेफ्ट तो रिले का राइट होगा, क्योंकि वो ऐसे कनेक्ट होंगे इसके अकॉर्डिंगली। इसका अपर और लोअर एंड है वो सेम ही रहेंगे, लेफ्ट और राइट स्विच हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो अपर पॉइंट है इसका, जो जैसे ये मैंने बनाया है, यहाँ से निकल रही हैं दो वायर्स, ये रेड वायर्स निकल रही हैं, ये यहाँ पे इस तरफ आ रही हैं। यहाँ पे हम अभी के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ थ्री वायर्स हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे दो वायर्स आ रही हैं, ये एक ही रिले से दोनों बाहर आ रही हैं, राइट, जो है रिले का टॉप, मतलब इसका भी सॉकेट का भी वो टॉप पॉइंट है, और इस तरफ भी रिले और सॉकेट दोनों टॉप पॉइंट है। और इसका जो राइट एंड है, जो येलो वायर इसमें लगी हुई है, ये येलो वायर लगी हुई है, तो ये आएगी आपकी स्विच की वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट आपका ये वाला आ जाएगा, और ये जो ब्लू वाली वायर है जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो ये एक्स्ट्रा एक वायर और है, ये वाली, ये कनेक्ट हो जाएगी आपके इग्निशन स्विच के साथ, राइट। सो ये है पूरा कनेक्शन। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बिलो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी बता देता हूँ कि जो ये रिले है ये 50 रुपये से आइडिया शुरू हो जाती है, तो अच्छी रिले 100 and 150 के आसपास बड़े आराम से मिल जाएगी आपको। जो बैटरी के साथ टाइप करने के लिए ऐसे दो थिम्बल्स लेनी पड़ेंगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 rupees के आसपास या 10 rupees के आसपास आपको दो बड़े आराम से मिल जाएंगी। एक ये फ्यूज़ का स्विच है, इसमें वैसे जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो दूसरा है, लेट मी शो यू, ये ऐसे वाला फ्यूज़ लगा है इसमें। ये अगर नहीं भी मिलता तो एक ट्यूब वाला फ्यूज़ आता है, उसके साथ में उसका एक बॉक्सा भी होता है, आप वो भी ले सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है यही लेना है आपने, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आपको एम्पियर पावर के अकॉर्डिंगली छोटे बड़े मिल जाते हैं, इसमें दो लगे हैं तो ये सिंगल फ्यूज़ है, तो इसमें 30 एम्पियर का एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, जो दूसरा होगा तो वो सिंगल वैल्यू का फ्यूज़ होता है, राइट।
और एक आपको लेना पड़ेगा स्विच, ये स्विच इसके साथ में ही आया था, ये टू वे स्विच है, सेंटर में ऑफ है, ऊपर और नीचे ऑन है, हाई बीम और लो बीम के लिए। तो ये स्विच ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लेना है आपको 50 रुपीज़ में दो नॉर्मल स्विच या 100 रुपीज़ में नॉर्मल स्विच, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट बैठेगी इस वायरिंग हार्नेस को बनाने के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली बैठेगी मैक्स टू मैक्स 300 के आसपास, अगर आपके पास ये वायरिंग वगैरह है। अगर वायर भी ले लोगे आप फिर भी 300 के आसपास आपकी कॉस्ट बैठनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वायरिंग हार्नेस की, उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे ये ऑलरेडी हार्नेस मेरे पास है कि ड्यूल रिले और जो हमारे आजकल फॉग लैम्प जो चल रहे हैं वो ड्यूल कलर में जो आ रहे हैं लो बीम और हाई बीम में, तो वो हार्नेस आप कैसे बना सकते हो इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।